हाँ जी, क्या हाल चाल? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है मंडे और मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही है क्योंकि मुझे वीकनेस फील हो रही है। तो आज मैं ज़्यादा बाहर जाके व्लॉग नहीं कर सकता, व्लॉग मैं घर पे ही करूँगा। तो मम्मी कह रही है कि तबीयत ठीक हो जाएगी नहा ले, तो मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी नहाने का। बाकी देखते हैं, अभी तो मुझे थोड़ा सा काम करना है तो वो काम करता हूँ मैं और फिर इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। पापा एकदम मस्त आदमी है, जो कोई भी गली में आते हैं ना उनसे हंस खेल के बुलाते हैं, मजाक करते हैं उनके साथ, खास करके बच्चों के साथ। नाक लाल लाल हो गया है। तो पहले तो मैं अपने नेल्स काटता हूँ। ये देखो, आधी बीमारियां तो नाखूनों से लग जाती है। नेल्स काटता हूँ, कल काटने थे नेल, कल संडे थे पर कल याद नहीं रहा, तो अब काटता हूँ नेल में। जब नहीं चाहिए होता तब तो सामने पड़ा होता नेल कटर, और आज जब चाहिए तब मिल नहीं रहा। 1 घंटा हो गया ढूंढते को। और कल मुझे नेल काटने थे ना, तो कल यहीं पे ही पड़ा था और आज मिल नहीं रहा, देख लो। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना तो कमेंट में बताना कि ज़रूरत के वक्त सामान नहीं मिलता है। मेरे साथ तो बड़ी बार होता है। दूध आ गया। तो मेरे ताई जी देख गए हैं, खीर खीर खाते हैं। वैसे भी आज तबीयत ढीली सी लग रही है, कुछ खाने पीने का मन भी नहीं कर रहा, तो थोड़ा बहुत खा के टाइम पास कर लेते हैं। मुझे ठंडी खीर अच्छी लगती है, पूरी ठंडी जमी हुई। आपको ठंडी खीर पसंद है या गर्म खीर कमेंट में बताना। मुझे तो ठंडी खीर पसंद है जिसके अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट गिरे होते हैं, खास करके काजू। तो आपको कैसी खीर पसंद है ये बताना जरूर। और मैं देखो कैसा लग रहा हूँ ना आज, क्योंकि रात से है ना मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, तो सुबह अब वीकनेस आ रही है बॉडी में, कुछ काम हो नहीं रहा, बाहर भी नहीं जाने का मन कर रहा, ना कुछ खाने पीने का मन कर रहा। पर्सनल प्रॉब्लम मैं अपनी बता ही जा रहा हूँ, व्लॉग में व्लॉग कर नहीं रहा। तो कोई नहीं, करेंगे व्लॉग, इस व्लॉग को आगे बढ़ाएंगे। फिर अंकल की मोटरसाइकिल खराब हो गई, क्यों माचिस दूध वाले अंकल की बाइक खराब हो गई है? माचिस पता नहीं क्यों मंगाई अंकल ने, आग लगाई नहीं मोटरसाइकिल को। कुछ भी मोटरसाइकिल की तार टूट गई थी, माचिस से क्या किया, माचिस से तार को जला के और उसको बांध दिया, इसलिए माचिस मंगाई थी। मुझे लगा कि भाई अंकल को आगे गुस्सा ठीक हो नहीं रही। बना रही हो सब्जी? सब्जी बन रही है, कोई राजस्थान की सब्जी बन रही है, मुझे नाम नहीं पता। नाम पता है पर मैं नाम बता नहीं सकता, वो थोड़ा सा डबल मीनिंग नाम है उसका, और दिखा भी नहीं सकता वो सब्जी, थोड़ी सी देखने में भी। समझ रहे हो, बाहर जाता हूँ दही लेके आना है, और गौशाला भी जाके आता हूँ, गऊओं को चारा डालता हूँ, क्या पता थोड़ा बहुत पुण्य करने से मेरी तबीयत ही ठीक हो जाए, या क्या पता गऊओं को चारा डालने से मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। 100 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं बाय द वे, तो जल्दी जल्दी करवा दो, कुछ ही सब्सक्राइबर की बात है, तो 100 सब्सक्राइबर पे केक काटेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे तगड़ी वाली, मस्त प्लान है। केक वगैरह काटेंगे, खाएंगे पियेंगे, ऐश करेंगे, 100 से फिर 200, 200 से 300, फिर 1 मिलियन। अच्छा, 1 मिलियन ज्यादा हो गया, 100 सब्सक्राइबर करवा दो जल्दी से। और जिन जिन ने सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया अभी सब्सक्राइब उनका भी थैंक यू, कर दो सब्सक्राइब जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे पता है आप सब्सक्राइब कर दोगे। बताएंगे क्या सब्जी बन रही है आज, दोबारा बोलो। बेसन के गट्टे की सब्जी। बेसन के गट्टे की सब्जी, अगर आपने खाई है तो बताना। ये राजस्थान की डिश है, राजस्थान में बनती है ज्यादा और बड़ी स्वाद बनती है, ये बहुत स्वाद बनती है। बहुत स्वाद। अगर कोई सब्जी समझ में ना आए भाई के बनावा के खावा, तो बेसन गोलो, उसका गट्टा बनाओ, सब्जी बनाओ, फिर खाओ। इतना ऑयल देख के हैरान मत हो जाना, जो ये सब्जी है ना ये इतने ऑयल में ही बनती है, क्यों मम्मी?
तो फिर मैं बाहर जाके डायरी पे से दही लेके आता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ दही के साथ बड़ी स्वाद लगती है। तो चलते हैं, दही लेके आते हैं और गौशाला भी जाएंगे। गौशाला में पट्ठे डालेंगे, पट्ठे मतलब चारा डालेंगे। चलो, तो जो डायरी है वो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, इधर ही है, रोड क्रॉस करके ही, अशोका डायरी नाम है उनका। तो वहाँ से दही लेके आने, पहले जाएंगे गौशाला में, आते हुए दही लेके आएंगे। अब चलते हैं दही लेने। ₹20 का दही दियो। लंगर लगा है जी, लंगर। दही हमने ले लिया, अब चलते हैं घर पे। सच में तबीयत खराब है, चला भी नहीं जा रहा, बैक में पेन हो रहा है। मुझे नेल कटर नहीं मिला अभी तक। ड्रॉअर में दुनिया का सारा सामान पड़ा है, बस एक नेल कटर नहीं पड़ा। नेल कटर खटा मम्मी। हाँ जी, तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और अब कुछ ठीक लग रहा है। और मम्मी गए हैं ऊपर, क्योंकि मम्मी का फोन आया है राजस्थान से किसी का, तो हम भी चलते हैं ऊपर, मम्मी से बातचीत करते हैं। तो ये जो मेरे पीछे घर देख रहे हो ना, ये घर है मेरी ताई जी का। तो उनके घर पे चल रहा है काम, इसलिए उनके घर से आवाज़ आ रही है और मम्मी कर रही है फोन पे बात। अभी अभी ऊपर आया था, अब वापस नीचे जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी ने बनानी है रोटी, और रोटी खा के लेंगे दवाई, दवाई खा के सो जाएंगे। ठीक है मम्मी, ठीक है मम्मी, ठीक है मम्मी, ठीक है मम्मी, ठीक है मम्मी। हाँ ये कर लो पहले। आज कुछ करने को तो है नहीं, तो आज हम अपने फेस की केयर करेंगे, कुछ लगाएंगे फेस पे, जिससे हमारा फेस और सुंदर हो जाए, ताकि हम पे लड़कियां मरे। बहुत तेज हो रहे हो हैं। मम्मी सब्जी पहली डाल दी और रोटी बनी गोंदी अभी मम्मी। सब्जी तो ठंडी हो जाती तो आज टीवी भी नहीं चल रही है, क्योंकि जो चैनल वाले हैं उन्होंने स्ट्राइक कर रखी है, तो आज शिंचन भी नहीं देख सकते। तो आज रोटी हमें बिना शिंचन के खानी पड़ेगी। खाना आ गया जी, खाना खाते हैं और फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैं आया था भाई के ऑफिस वीडियो अपलोड करने के लिए, और वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो जाके देखो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके मुझे बताना कि नेक्स्ट ब्लॉग में मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो अभी मैं हो चुका हूँ फ्री, तो अभी मैं वापस घर पे जाता हूँ, तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही। मैं सोच रहा हूँ कि घर जाने से पहले एक आधी मूवी डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो बाहर तो मैं व्लॉग कर नहीं सकता, तो घर जाके थोड़ी देर मैं एक कोई मूवी देख लूँगा, जिससे मेरा थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाएगा और मूड भी ठीक हो जाएगा, ताकि मैं कुछ इस व्लॉग को कंटिन्यू कर सकूँ। हाँ जी, तो अभी मैंने लगाया है चारकोल फेस मास्क। अजीब सा लग रहा है ना, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। बहुत तेज हो रहे हो हैं, बहुत तेज हो रहा। तो ये मैंने अब लगा तो लिया है, बट ये जब सूख के उतारने का टाइम आता है ना, तब बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो पंगे ले लिए हैं, बट इसके बाद हम सुंदर सुंदर हो जाएंगे, और उसके बाद हमें हमें बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी, जो कि जिनको हम सुंदर लगेंगे, और फिर उन लड़कियों में से एक से हमारी शादी हो जाएगी, और फिर शादी का व्लॉग हो जाएगा। कोई सेंस है इस बात की? ऐसी मजाक सीरियस मत लेना, ऐसे ही कर रहा हूँ मैं। तो इसको सूखने देते हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे कितना का पेन होता है इससे। तेरी पहन क्यों लगा लिया मैंने, नहीं चाहिए लड़की मुझे, आज के बाद नहीं लगाऊंगा ये वापस। हाँ जी, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जल्दी ही मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो जल्दी से 100 सब्सक्राइबर करा दो, नेक्स्ट व्लॉग तक करवा दो यार, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले मैंने
चैनल बनाया था और इतनी जल्दी 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं मेरे, तो जल्दी जल्दी से मेरे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके 100 सब्सक्राइबर करा दो। 100 सब्सक्राइबर ये सुनने में तो काफ़ी छोटा लगता है नंबर, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर छोटी छोटी अचीवमेंट को हमें हमेशा पॉजिटिव वे में ही लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमें और मोटिवेशन मिलती है और नई नई चीज़ें करने की। तो 100 सब्सक्राइबर जल्दी से करा दो और इसी तरह मैं आपको डेली नए नए और एंटरटेनिंग व्लॉग्स मैं आपको दिखाता रहूँगा मेरे चैनल पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव दैट यू आर गिविंग टू मी। ऐसे ही बस अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखो, हम बहुत आगे तक जाएंगे। और ये जो मैंने लगाया था ना फेस पे, वो आप कभी मत लगाना, डिस्क्लेमर, बड़ा पछताओगे। मैं स्कूल से आ गई हूँ तो कल से हमें नहीं जाना है, तो 27 तारीख को हमारे पेपर शुरू हुआ है। हाँ जी, तो ये लौंडे लोग आ गए स्कूल से, तो पिछले व्लॉग में मैंने कहा था, पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि ये फ्री हो चुके हैं, तो फाइनली आज ये फ्री हो चुके हैं। पेपर कब है? 27 तारीख से पेपर है और 27 तारीख तक ये घर पे तैयारी करेंगे। तैयारी तो ये करी बैठे हैं, करेंगे, हो जाएगी पास, पक्का हो जाएगी पास। हो तू आगे झूठ है तो तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं खत्म करता हूँ। आज का व्लॉग कुछ खास नहीं था, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और ऐसा मैंने इस व्लॉग में 50 बार बोल चुका हूँ। तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं खत्म करता हूँ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो मिलते हैं जल्दी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा।